बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ज़ेर तमाम जो एक पार्टी या एक जलसा मुनक़द हुआ है पीपल पार्टी का, यहाँ पे हमारे साथ जो हैं मलक रियासत सदराल जो हैं वो खड़े हैं यहाँ पे हमारे साथ। और आज हम उनके उनसे पूछते हैं कि पीपल पार्टी जो अभी हालिया जो पीपल पार्टी है ये पीडीएम के साथ चलेगी उसी तरह या उससे अलग ये इलेक्शन में हिस्सा लेगी, और इलेक्शन वाकई होंगे या इलेक्शन होने का कितने चांसेस है? अभी तो लग नहीं रहा इलेक्शन होंगे, लेकिन आइए इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ तक ये सच है कि इलेक्शन होंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसमें जी कोई शक व शुबात वाली बात नहीं है कि ज़ाहिर है मुल्क के जो हालात थे उनको मद्देनज़र रखते हुए पीडीएम का हिस्सा पीपल्स पार्टी बनी है, उस हद तक तो ज़रूर है। बाकी पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन लड़ेगी, हमारा इलेक्शन के हवाले से हमारी क़यादत का जो फैसला है वो बिल्कुल ये नहीं है कि वो पीडीएम का हिस्सा बनेंगे, बल्कि अपना इलेक्शन लड़ेंगे और अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो आप ये बताएं, ये जो पहली कंपेन, ये शायद अभी जो पहला जलसा हुआ है तो इसमें जो शमूलियत हासिल यहाँ पे शिरकत की है, जो सुनने में आ रहा है, हमने जलसे में देखा है कि कोई किस वर्कर ने नून लीग के इसमें शमूलियत हासिल शिरकत की? यहाँ पे जो शिरकत की है यहाँ पे शौकत खान साहब हैं जो पीटीआई में थे, और पीटीआई को छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज ज्वाइन की है। अच्छा जी। हाँ, और वो बड़ी एक ग्रुप के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुई हैं। अच्छा, बड़ी मेजोरिटी के साथ उन्होंने जो है इसमें शिरकत की है पीपल पार्टी जी, बिल्कुल। इसमें तो आज आप ये बताएं कि पीपल पार्टी तो वैसे वारूज पे नहीं थी, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है बहुत सारे लोग पीपल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो पीपल पार्टी का आगे लाए अमल या अरूज आप कहाँ तक देख रहे हैं कि क्या इस मुल्क में वो कामयाबी हासिल कर पाएगी इलेक्शन में? इंशाल्लाह जी ज़रूर, चूँकि पाकिस्तान को इस वक्त तो पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो आप लोगों के सामने है, कोई छुपे ढके तो हैं नहीं। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आने वाला वक़्त जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा, और इस मुल्क के वज़ीर आज़म इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। तो थैंक यू, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मलक रियासत सरदार साहब, और इनका यहाँ पे जो है हमने इंटरव्यू लिया है इनसे, और आज ज़ेरे तमाम जो जलसा था पीपल पार्टी का तो उसमें पीपल पार्टी पीटीआई के एक वर्कर ने जो है उन्होंने शमूलियत हासिल की है। और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट आपको को आगे हमारे ब्लॉग के साथ रहिएगा, और इंशाल्लाह आपके साथ हम इसी ब्लॉग में हाज़िर हों।